Taro, ja uapireze. Kyun hai prithvi gol? Kya hai black hole? Suraj mein hai garmi kyun? Chand mein hai garmi kyun? Saturn ko ghire hue khoobsurat ring. Size mein yaro Jupiter hai planet ka king. Venus ki sundarta, Uranus ki chaal. बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। आदिकाल से विश्व भर में माना जाता था कि हमारे सौर मंडल में सिर्फ 6 ग्रह हैं, क्योंकि इनको पृथ्वी से बिना किसी मदद के आंखों से देखा जा सकता है। फिर गणित के आधार पर यूरेनस से आगे नेपच्यून को भी खोज लिया गया। उसके बाद मानव दुनिया भर में नेपच्यून से आगे नए ग्रह खोजने की होड़ सी लग गई। पर क्या नेपच्यून से आगे कोई ग्रह था? नेपच्यून से परे नए ग्रह की खोज करने वालों में सबसे आगे थे एक अमरीकी एस्ट्रोनॉमर परसिवल लॉवल। यूरेनस और नेपच्यून की चाल पर की गई गणना के आधार पर लॉवल को पूरा विश्वास था कि अपने सौर मंडल के बाहरी छोर पर एक ग्रह है, जिसे उन्होंने नाम दिया था प्लैनेट एक्स। इस नए ग्रह को ढूंढने की धुन उनको इतनी जबरदस्त थी कि 1894 में उन्होंने फ्लैगस्टाफ एरिजोना शहर में लॉवल ऑब्जर्वेटरी बनाई। 1916 में उनकी मृत्यु तक वो लगातार इस नए ग्रह को खोजने की जी तोड़ कोशिश करते रहे, मगर उनके हाथ सफलता नहीं लगी। हालांकि 19 मार्च 1915 के दिन उनकी ऑब्जर्वेटरी ने नए ग्रह की 2 तस्वीरें खींच ली थीं, मगर अस्पष्ट होने के कारण वो इसे पहचान नहीं सके। अपनी वसीयत में भी वो इस नए ग्रह की खोज के लिए लाखों डॉलर छोड़ गए थे, मगर उनकी विधवा ने इस वसीयत को कोर्ट में चुनौती दे दी। 10 साल तक कानूनी लड़ाई चलती रही। लॉवल ऑब्जर्वेटरी में नए ग्रह प्लैनेट एक्स की खोज का काम फिर 1929 में शुरू हुआ, जब ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर वेस्टो मेलविन स्लिफर ने 23 वर्षीय युवक टॉम वॉ को यह जिम्मेदारी सौंपी। टॉम वॉ का काम था कि हर 2 हफ्ते के अंतराल पर रात को आकाश के एक ही हिस्से की तस्वीरें लेना और ये निर्धारित करना कि क्या कोई वस्तु अपनी जगह से हिली थी। आसमान में और बहुत सारी वस्तुओं के साथ तारे होते हैं और ग्रह होते हैं। तारे उगते हैं, डूब जाते हैं, ग्रह भी उगते हैं और डूब जाते हैं, यानी दोनों स्थिर नहीं रहते, बस चलते रहते हैं। मगर तारों और ग्रहों की चाल में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। कोई भी तारा अकेले अपनी जगह नहीं बदलता, हमेशा अपने समूह के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अर्थात समूह में कोई भी तारा बाकी तारों के मुकाबले हमेशा स्थिर रहता है, मगर ग्रह किसी समूह में नहीं बल्कि अकेले ही आसमान में अपनी जगह बदलते हैं। तारों और ग्रहों में ये खूबियां हमें नए ग्रह खोजने में मदद करती हैं। हम आसमान में एक ही जगह लगातार तारों का अध्ययन करते हैं। ये तारे एक दूसरे के मुकाबले स्थिर नजर आते हैं। अगर अलग अलग अंतराल पर ली गई तस्वीरों में हमें कोई ऐसी वस्तु नजर आती है जिसने तारों के बैकग्राउंड में अपनी जगह बदली हो, तो किसी ग्रह के वहां होने का हमें पता लग जाता है। 18 फरवरी 1930, लगभग एक साल लगातार कोशिश करने के बाद उन्होंने जब उस साल की 23 जनवरी और 29 जनवरी की तस्वीरों को ध्यान से मिलाया तो पाया कि एक वस्तु ने अपनी जगह बदली थी। 21 जनवरी की तस्वीर ने इसे और पक्का कर दिया। लॉवल का प्लैनेट एक्स मिल गया था, पर टॉम वॉ ने यह करिश्मा कैसे कर दिखाया था? असल में उन दिनों अधिकतर एस्ट्रोनॉमर्स फोटोग्राफ्स का कंपैरिजन करने के लिए सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा करते थे, और इस तरह यह पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता था कि क्या किसी वस्तु ने अपनी जगह बदली है या नहीं। क्योंकि टॉम वॉ की किसी एक तस्वीर में लाखों तारे होते थे, मगर टॉम वॉ आम एस्ट्रोनॉमर्स की भांति नहीं थे। वो ब्लिंक कंपैरेटर नाम की एक अद्भुत मशीन का इस्तेमाल करते थे।
ब्लिंक कंपैरेटर एक माइक्रोस्कोप होता है जो बड़ी तेजी से दो तस्वीरों को आंखों के सामने एक के बाद एक लाता है, मानो दो तस्वीरें एक ही हों। इससे देखने वाले को दो तस्वीरों में किसी भी प्रकार के बदलाव का आसानी से पता चल जाता है, जैसा कि टॉम बॉ को प्लूटो के बारे में पता चला। आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तो बात ही क्या है, कंप्यूटर की मदद से इमेजेस को बड़ी अच्छी तरह और बेहद आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है। मगर टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, नई चीजें खोजने के जज्बे में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। नए खोजे गए प्लेनेट का नाम प्लूटो सुझाया ऑक्सफोर्ड की एक 11 वर्षीय छात्रा वेनेशिया ने। 1 मई 1930 के दिन नए ग्रह का नाम प्लूटो रख दिया गया। छोटी सी वेनेशिया को इस ग्रह का नाम रखने पर अपने दादाजी से 5 पाउंड का इनाम भी मिला। असल में प्लूटो नाम को सर्वसम्मति एक और कारण से भी मिली थी। उसमें पहले दो अक्षर पी और एल थे, यानी पी फॉर परसिवल और एल फॉर लॉवल। छोटी सी वेनेशिया ने किया बड़ा काम, दिया हमारे सौर मंडल के सबसे दूर रहने वाले ग्रह को उसका नाम। नाम तो मिल गया, चलिए देखें ये प्लैनेट कितने काम का है। सूरज से 600 करोड़ किलोमीटर दूर प्लूटो का डायमीटर सिर्फ 2274 किलोमीटर है। ज्यादातर बर्फ और पत्थर से बना ये ग्रह रॉकी ग्रह जो पत्थर और धातु से बने हैं, और गैस ग्रह जो हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, दोनों से अलग है। आकार और बनावट ही नहीं, प्लूटो की कक्षा भी असाधारण और विचित्र है। हमारे सौर मंडल में प्लूटो की कक्षा बाकी सभी ग्रहों से सबसे ज्यादा एलिप्टिकल है। इतनी ज्यादा कि अपने 248 साल लंबी कक्षा में प्लूटो 20 साल नेपच्यून की कक्षा के अंदर बिताता है। हाल ही में 1979 से 1999 में ऐसा ही हुआ था। मगर इसका मतलब ये भी है कि इन दोनों ग्रहों के आपस में भिड़ जाने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि नेपच्यून के हर 3 चक्कर के लिए प्लूटो सूरज के 2 चक्कर लगाता है। फलस्वरूप नजदीकी भविष्य में ये दोनों तो नहीं भिड़ेंगे। प्लूटो बड़े ही अजीब तरीके से झुका हुआ है और अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाता है। वो अपनी एक्सिस पर 1 चक्कर 6 दिन और 10 घंटों में पूरा करता है, यानी पूरे सौर मंडल में बुध और शुक्र के बाद सबसे लंबा रोटेशन पीरियड। प्लूटो पर सूरज पश्चिम से निकलकर पूरब में ढलता है। प्लूटो पर वातावरण सिर्फ नाम मात्र का ही है। जब वो सूरज के सबसे करीब होता है, उस समय प्लूटो पर वातावरण बहुत पतला और मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सम्मिश्रण होता है। जैसे जैसे प्लूटो सूरज से दूर जाता रहता है, तापमान गिरता रहता है और वातावरण भी। प्लूटो पर औसतन तापमान -226 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में वातावरण जमकर लुढ़क जाता है। हालांकि बहुत से लोग प्लूटो को खोज रहे थे, मगर प्लूटो का मिलना एक संयोग ही था। प्लूटो के मिलने का मुख्य कारण ये था कि वो अपने पर पड़ने वाली सूरज की 30-50% रोशनी वापस फेंकता है, जिसकी बदौलत वो थोड़ा उज्जवल है। इतना उज्जवल कि शुरू में एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लूटो को अपनी पृथ्वी के आकार जितना माना। ये गलतफहमी उस समय दूर हुई जब 1978 में ये पता चला कि प्लूटो के पास अपना एक चंद्रमा भी है। शैरों, प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा, एस्ट्रोनॉमर जेम्स क्रिस्टी ने जून 22, 1978 को खोजा और उसका नाम शैरों भी उन्होंने ही सुझाया। प्लूटो और शैरों दोनों ही बर्फ से ढके रहते हैं। शैरों पानी की बर्फ से और प्लूटो मीथेन की। शैरों सिर्फ 18,350 किलोमीटर दूर प्लूटो के चक्कर लगाता है और उससे कम उज्जवल है। इसलिए अब समझ आता है कि प्लूटो का चांद ढूंढने में इतनी देर क्यों लगी। प्लूटो के 2 और चंद्रमा खोजे जा चुके हैं, निक्स और हाइड्रा। 1978 में जब प्लूटो का सबसे बड़ा चांद खोजा गया, उस क्षेत्र में जिसे कि अब कीपर बेल्ट कहा जाता है,
प्लूटो से आकार में थोड़ी छोटी पर उसी जैसी बहुत सी वस्तुएं मिलनी शुरू हो गईं। अहम मोड़ तब आया जब 29 जून 2005 को उसी क्षेत्र में एरिस नामक एक खगोलीय पिंड खोजा गया जो प्लूटो के मुकाबले आकार में बड़ा था। इससे प्लूटो के ग्रह कहलाए जाने के अधिकार पर बड़ा सवालिया निशान लग गया और दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स में एक विवाद छिड़ गया। प्लूटो के छोटे आकार, उसके अजीब ऑर्बिट और साथ साथ ये सच कि प्लूटो न ही बृहस्पति और न शनि की तरह गैस ग्रह है और न ही पृथ्वी या मंगल की तरह रॉकी प्लैनेट, तो इस बात ने प्लूटो के प्लैनेट अस्तित्व को बड़े खतरे में डाल दिया। 24 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की 26वीं जनरल असेंबली मीटिंग प्राग में बुलाई गई। IAU एस्ट्रोनॉमी की अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस मीटिंग में प्लूटो के मुद्दे पर दुनिया भर से आए एस्ट्रोनॉमर्स ने चर्चा और वोटिंग की। सर्वसम्मति से प्लूटो से ग्रह होने का रुतबा छीन लिया गया, उसे बना दिया गया बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट। अब बारी अपने सौर मंडल के ऐसे सदस्यों से मिलने की जो अपने बाकी भाई बंधुओं से काफी अलग हैं। The Rumpa Rebellion from the year 1922 to 1924 with support of other local tribes. For his bravery and valor, he was nicknamed Maniam Viradu, meaning hero of the jungles. In 1986, the Indian Postal Department issued a commemorative stamp featuring Raju in the series India's Struggle for Freedom. He was a prominent figure in Indian peasant movement. Ranga was a Gandhian and led the riot agitation in 1933. The Braveheart is considered the champion of peasant rights. His name found place in Guinness Book of World Records as parliamentarian with 50 years of service. The N.K. Ranga Farmer Award for Diversified Agriculture was instituted by the Indian Council of Agriculture Research in the year 2001. A commemorative postage stamp was also released by the Government of India in 2001. She was the queen of Sivaganga estate between the years 1780 and 1790. She is remembered as the first queen to fight against British colonial power in India. The former princess of Ramnathpuram opposed the British rule even before the Sepoy mutiny. She is also known by Tamils as Veera Mangai, meaning brave women. A commemorative postage stamp in her name was released on 31st December 2008. असल में नेपच्यून के कक्ष के परे हमारे सौर मंडल की सीमाओं पर करोड़ों बर्फीली वस्तुएं तैर रही हैं। हमारे सौर मंडल के ऐसे सदस्य जो न ही ग्रह हैं और न ही एस्टेरॉयड, और अपने छोटे आकार की वजह से कुछ समय पहले तक जिनको खोजना भी मुश्किल था। हमारे सौर मंडल के ऐसे सदस्यों को हम कहते हैं TNO यानी ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स। 1930 में खोजा जाने वाला पहला ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट था प्लूटो। फिर 1978 में प्लूटो का चांद शैरों खोजा जाने वाला दूसरा ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट बना और तब से आज तक अलग अलग आकार के और भिन्न भिन्न कक्ष वाले 1000 से ज्यादा ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स खोजे जा चुके हैं। काफी सारे ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स जोड़े हैं, जोड़े यानी बाइनरीज अर्थात दो वस्तुएं जो एक दूसरे के चक्कर में पड़ी हुई हैं, यानी जो एक दूसरे का चक्कर लगाती हैं। प्लूटो और शैरों एक ऐसा ही जोड़ा है। समान गुरुत्वाकर्षण के कारण ये दोनों बड़े ही अनोखे तरीके से लॉक्ड हैं। इसी कारण से इन दोनों का ऑर्बिट भी समान है।
और इसी वजह से इन दोनों के सामने हमेशा एक दूसरे का वही चेहरा रहता है। प्लूटो को बौना ग्रह बनाने के बाद इसे पहला टीएनओ घोषित किया गया। यही नहीं, बाद में इसे दूसरे टीएनओज होएमा, मेक मेक और एरिस के साथ प्लूटोइड की श्रेणी में रख दिया गया। कुछ ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स के नाम हैं केओस, हुया, इक्सियन, ऑर्कस, क्वाओर, सेडना और वरुण। वरुण, जी हाँ, वरुण एक टीएनओ जिसको 28 नवंबर 2000 को एरिजोना स्थित स्पेस वॉच के डायरेक्टर आरएस मैकमिलन ने खोजा। 1000 किलोमीटर के डायमीटर वाले इस टीएनओ का नाम हिंदू देवता वरुण के नाम पर रखा गया। ये नाम असल में मृणालिनी साराभाई ने आरएस मैकमिलन को सुझाया था। चलो भाई, अपने किसी हिंदू देवता के नाम पर भी किसी ग्रहणु वस्तु का नाम पड़ा तो सही। अब बारी अपने सौर मंडल के ऐसे सदस्यों से मिलने की जो अपने बाकी भाई बंधुओं से काफी अलग हैं। कॉमेट्स, जी हाँ, यानी पुच्छल तारे, जो मोटे तौर पर बर्फ की गंदी गेंद जैसे होते हैं और सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं। असल में ये पानी, धूल और अन्य गैसों का जमा हुआ मिश्रण होते हैं। लाखों किलोमीटर लंबी पूंछ वाले ये हमारे सौर मंडल के सदस्य तब तक दिखाई नहीं देते जब तक कि ये सूरज के नजदीक ना हो। उसका एक मुख्य कारण ये है कि इनकी कक्षा एकदम एलिप्टिकल है, इसलिए ज्यादातर समय वो सौर मंडल के अंधेरों में बिताते हैं। मगर बहुत थोड़े समय के लिए जब ये सूरज के पास होते हैं तो नजारा देखने लायक होता है। सूरज से रोशनी मिलने के कारण पहले वो गर्म हो जाते हैं और फिर वेपराइज्ड गैस और धूल की जबरदस्त धार छोड़ते हैं। सूरज के पास उच्छल तारे ही नहीं, उसकी बनावट भी नजर आती है। न्यूक्लियस, जो कि किसी भी कॉमेट का सबसे ठोस यानी सॉलिड हिस्सा होता है, उसमें अधिकतर बर्फ और थोड़ी मात्रा में धूल होती है। यह हिस्सा एक तरह से कॉमेट का सिर होता है। फिर आता है कोमा, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसों का घना बादल, जो एक तरफ से न्यूक्लियस को घेरे होता है मगर दूसरी तरफ से खुला हुआ। इसी कोमा के ऊपर होती है हाइड्रोजन के बादलों की पतली सी परत और फिर आती है इसकी पूंछ, जो धूल के कणों से भारी होती है और न्यूक्लियस के पीछे से गैसों को लगातार छोड़ती रहती है। इस पूंछ को और लंबा बनाते हैं प्लाज्मा और चार्ज्ड कण। अक्सर पुच्छल तारे की पूंछ 1 करोड़ किलोमीटर तक लंबी होती है। पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा सूरज से उल्टी दिशा में होती है। एक और मजेदार बात, किसी कॉमेट के गुजर जाने के बाद जब अर्थ उस कॉमेट के ऑर्बिट से गुजरती है तो उस कॉमेट द्वारा छोड़े गए धूल और गैस के कण पृथ्वी के वातावरण से भिड़ते हैं, फ्रिक्शन के कारण जल उठते हैं और पैदा करते हैं आसमान में चमकदार प्रदर्शन। इसको कहते हैं मीटियोर शावर्स। पहले ऐसा समझा जाता था कि पुच्छल तारे बिना किसी कारण अचानक प्रकट हो जाते हैं और इसीलिए लोग इनसे डरते थे, मगर ये सब कुछ बदला एडमंड हेली नामक एक अंग्रेज एस्ट्रोनॉमर ने न्यूटन के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हुए 1705 में ये भविष्यवाणी की थी कि 1531, 1607 और 1682 में देखा गया कॉमेट फिर से साल 1758 में नजर आएगा। वो आया, मगर उसे देखने के लिए हेली नहीं रहे। उन्हीं के सम्मान में उस कॉमेट का नाम हेलीज कॉमेट रख दिया गया। हेलीज कॉमेट की कक्षा 76 वर्षों की है, इसलिए 1910 और 1986 में वो फिर नजर आया था। 1986 में यूएसएसआर, जापान, यूरोपियन संघ और नासा के 5 स्पेसक्राफ्ट्स ने इसकी तस्वीरें ली और इससे हेलीज कॉमेट के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हुई। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गियोटो मिशन ने हेलीज कॉमेट के अंदर जाकर उसकी तस्वीरें भी ली। 1986 में अगर आपने हेलीज कॉमेट नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, 2062 में वो फिर नजर आएगा। इतिहास में दूसरा खोजा जाने वाला कॉमेट जिसकी वापसी का सही पूर्वानुमान लगाया था वो है एनकेज कॉमेट। '1786 में फ्रांसीसी एस्ट्रोनॉमर पियरे मिकेन ने इसे पहली बार खोजा था, मगर 1819 में एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर योहान फ्रेंज एनके ने
इसकी कक्षा की गणना की और ये बताया कि ये 1822 में फिर देखा जाएगा। इसलिए इस कॉमेट का नाम इसकी खोजी नहीं बल्कि इसके ऑर्बिट की सही गणना करने वाले पर रखा गया। 3 साल से थोड़े ज्यादा ऑर्बिटल पीरियड के साथ किसी भी कॉमेट के लिए ये सबसे छोटा ऑर्बिटल पीरियड है। जब छोटे ऑर्बिटल पीरियड वाले कॉमेट्स का पीछा किया गया तो ये पाया गया कि 200 साल से कम ऑर्बिटल पीरियड वाले कॉमेट्स असल में कीपर बेल्ट से आते हैं। पर कीपर बेल्ट होती क्या है? कीपर बेल्ट हमारे सौर मंडल की बाहरी सीमा पर सूरज से 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर 450 करोड़ किलोमीटर बड़ा वो घेरा है जहां पर बर्फीली वस्तुएं लाखों की तादाद में तैर रही हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी से सूरज की दूरी है और यह अंदाजन 15 करोड़ किलोमीटर है। ऊट एक महाविशाल बादल है जो हमारे पूरे सौर मंडल को घेरे हुए है। In this episode, we'll focus on big takeaways for India from the G7 summit held in Biarritz. It was important to keep these seven countries aware, acquainted of India's position and our sensitivities in the matter, which ensured that not only were these leaders on board, but they also did not make any reference to J&K. Energy transition, we are showing leadership. And the solar alliance we have, you know, yeah. It's like the only big concrete multinational initiative of the last several years to deal with this outside the framework of the UN, you know, panel on climate change. We are now entering a remarkably new relationship on a whole host of areas, as is mentioned on the defense side, the economics, and I should also add the environmental side, because Macron is positioning himself as a new leader in the climate and space, and he sees India actually as his best partner in that field. Rabindranath Tagore was awarded the Nobel Prize for Literature in 1913 for his book Gitanjali. In 1950, he composed the music and lyrics for India's national anthem Jana Gana Mana. And when Bangladesh became independent in 1971, they chose Tagore's song Amar Shonar Bangla as its national anthem. Tagore's life and works have made him a cultural icon, studied the world over, even into the 21st century. कीपर बेल्ट का नाम एक प्रसिद्ध डच अमरीकी एस्ट्रोनॉमर गेरार्ड कीपर के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने सबसे पहले 1950 में अपने एक पेपर में प्लूटो से परे बहुत सारे नन्हे ग्रहों से भरे डिस्क के आकार वाले इस क्षेत्र की बात की थी। एक अनुमान के अनुसार कीपर बेल्ट में 100 किलोमीटर से ज्यादा डायमीटर वाली 35,000 से ज्यादा ग्रहणु वस्तुएं हैं। 23 जुलाई 1995 को न्यू मैक्सिको के एलन हेल और एरिजोना के थॉमस बॉप ने हेलीज कॉमेट से 1000 गुना ज्यादा उज्जवल कॉमेट खोजा और इस कॉमेट का नाम पड़ गया हेल बॉब कॉमेट। 40 किलोमीटर के डायमीटर वाला ये कॉमेट तब तक के खोजे जाने वाले कॉमेट्स में से सबसे दूर और सबसे उज्जवल था। रिकॉर्ड 18 महीनों तक अपनी पृथ्वी से देखे जाने वाला ये पहला कॉमेट था। माना जाता है कि पृथ्वी के करीब इसका अगला चक्कर 1000 साल के बाद लगेगा। माना जाता है कि पृथ्वी पर जल ये कॉमेट्स ही लाए थे। 200 साल से कम ऑर्बिटल पीरियड वाले कॉमेट्स तो कीपर बेल्ट से आते हैं, पर 200 साल से ज्यादा ऑर्बिटल पीरियड वाले कॉमेट्स जैसे कि हेलबॉब कॉमेट आते कहां से हैं? लंबे ऑर्बिटल पीरियड वाले कॉमेट्स एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जिसे हम ऊट क्लाउड कहते हैं। ऊट एक महाविशाल बादल है जो हमारे पूरे सौर मंडल को घेरे हुए है। जॉन ऊट प्रसिद्ध डच एस्ट्रोनॉमर थे
जिन्होंने सबसे पहले 1950 में इस क्षेत्र के बारे में सुझाया था। ऊट क्लाउड का घेरा कीपर बेल्ट से 50,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर तक फैला हुआ है। माना जाता है कि इस ऊट क्लाउड में 1,00,000 करोड़ से ज्यादा कॉमेट्स हैं और इन कॉमेट्स का मिला जुला वजन अपनी पृथ्वी से 40 गुना ज्यादा आंका गया है। अपने सूरज का परिवार विशाल और विचित्र ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैला हुआ है। इस कार्यक्रम के बारे में आप हमें अपने सुझाव इस पते पर भेज सकते हैं। विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in। सबके साथ